हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हंग्री माइंड क्लासेस। आज हम 29 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी कवर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हरियाणा के दोबारा से मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। हरियाणा के दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं मनोहर लाल खट्टर, और ये बीजेपी पार्टी के हैं। ये कौन सी पार्टी के हैं? ये बीजेपी पार्टी के हैं। और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, उन्होंने इन्हें शपथ दिलवाई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने हैं। और ये कौन सी पार्टी के हैं? ये जेजेपी पार्टी के हैं। जेजेपी पार्टी यानी कि जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी। अच्छा, आप सभी को पता होना चाहिए कि हरियाणा में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को कितनी मिली? बीजेपी को मिली 40, 30 मिली कांग्रेस को, 10 मिली जननायक जनता पार्टी को, और 10 मिली अन्य को। 10 मिली किसे? अन्य को। चलिए अपने अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 किसने जीत लिया? कर्नाटक ने जीत लिया। कर्नाटक ने जो बेंगलुरु में फाइनल हुआ था उसमें तमिलनाडु को हराकर ये अपनी विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। और ये कर्नाटक की चौथे नंबर की, कर्नाटक की कौन सी? चौथे नंबर की विजय हजारे ट्रॉफी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि गांधीनगर गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला हो गया। याद रखना, गुजरात का पहला जिला जो केरोसिन से मुक्त हुआ उसका नाम क्या? उसका नाम है गांधीनगर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला शहर जो केरोसिन से मुक्त हुआ उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहला ऐसा शहर है, याद रखना, चंडीगढ़ पहला ऐसा शहर है जो केरोसिन से मुक्त हुआ है। और एक चीज और याद रखना कि अभी तक 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कितने? 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो केरोसिन से मुक्त हो गए। उनका नाम क्या क्या है? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दमनदीप, दादरा नगर हवेली और आंध्र प्रदेश। मैं एक बार नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दादरा नगर हवेली, दमनदीप और आंध्र प्रदेश। ये 8 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अभी तक कैरोसिन से मुक्त हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सी पी सी बी के अनुसार, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? वाराणसी भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे नंबर पर लखनऊ उत्तर प्रदेश का, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का ही मुजफ्फरनगर है, चौथे नंबर पर हरियाणा का यमुनानगर, और पाँचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश के 4 शहर, उत्तर प्रदेश के 4 शहर कौन कौन से? वाराणसी, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, और हरियाणा का यमुनानगर। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स अमेजन कंपनी के जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो याद रखना, दुनिया के सबसे अमीर आदमी दोबारा से कौन बन गए हैं? माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स दुनिया के दोबारा से सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इनकी संपत्ति कितनी है? इनकी संपत्ति है 105.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 105.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर इनकी संपत्ति है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि CBSE और NCERT ने कक्षा 9 और 10वीं के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट करा। उसका नाम क्या? उसका नाम है तमन्ना। तमन्ना की फुल फॉर्म क्या है? ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटी। ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटी तमन्ना की फुल फॉर्म है। ये काम क्या करेगा? जो टेस्ट है ये एप्टीट्यूड टेस्ट काम क्या करेगा? जो 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट को चुनने में मदद करेगा, उनको सब्जेक्ट को चुनने में ये मदद करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि भारत के पृथ्वी शेखर ने वर्ल्ड डेफ टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। ये प्रतियोगिता तुर्की के अंताल्या में हुई थी। इन्होंने चेक गणराज्य के जारोसिलेव समदेव को हराकर वर्ल्ड डेफ टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप पारिकर लंबी बीमारी के बाद अहमदाबाद में निधन हो गया। इन्होंने 1997 से 98 के बीच राष्ट्रीय जनता पार्टी से गुजरात के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अच्छा, गुजरात की बात चलिए तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और वुमेन बैट्समैन स्मृति मंधाना को विजडन इंडिया अल्मैना क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो अन्य 3 विजेता हैं उसमें पाकिस्तान के फखर जमान, श्रीलंका के दिमुत कर्नात्रे और अफगानिस्तान के राशिद खान, इन तीनों को भी पुरस्कार मिला है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होंगी? सोफी विल्म बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी। अच्छा, बेल्जियम की बात चलिए तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, और इसकी करेंसी क्या है? इसकी मुद्रा क्या है? यूरो बेल्जियम की करेंसी है। तो ये थे हमारे 29 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।